Hello students, so it's our second chapter. The name is Smile with the Blessing. Smile with the Blessing. Smile means muskurana and second blessing is ashirvad. Iska matlab hai ashirvad ke saath ek smile. Okay, next. You can see this picture. In this picture a boy fell down the pit and an old man is trying to help him. एक जो लड़का है वो खड्डे में गिर गया है और ये जो old man है ये umbrella की सहायता से umbrella की help लेके इसको बाहर निकालने की try कर रहा है. Okay, so here are three questions regarding our discussion. What do you see in this picture? आपने क्या दिखा इस picture में? इसमें देखा कि एक boy खड्डे में गिर गया है और जो ओल्ड मैन है उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, उसको अम्ब्रेला से निकालने की कोशिश कर रहा है. हु इज हेल्पिंग द बॉय, कौन कर रहा है? देखो हु इज हेल्पिंग मदद करना, बॉय लड़के की, कौन मदद कर रहा है? तो एन ओल्ड मैन. हैव यू एवर हेल्प समवन, क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है? टेल अस अबाउट द इवेंट्स. ओके, व्हेन वी विल मीट आई विल आस्क यू ऑल अबाउट योर इवेंट्स. Now we are reading this chapter. Now let's read the story. An old lady. Ek boodhi aurat. Old means boodhi, lady means aurat. Was going to. Ja rahi thi. Going to matlab jana. Ja rahi thi. Market. Market matlab bazaar. Ek boodhi aurat bazaar ja rahi thi. She was carrying a basket of fruits. Basket क्या होती है? टोकरी. Fruits मतलब फल, फलों की टोकरी. She was carrying, वो फलों की टोकरी लेकर जा रही थी. On the way, रास्ते पर क्या हुआ? रास्ते पर she stepped on, she मतलब उसने, stepped on मतलब कदम रखा, on a banana peel. Banana मतलब केला, peel means छिलका. उसने केले के छिलके पर कदम रख दिया या पांव रख दिया. एंड फेल डाउन, फेल डाउन मतलब नीचे गिरना, नीचे गिर गई. ये देखो इस पिक्चर में, ये है ओल्ड लेडी, ये रही, ये इसकी बास्केट ऑफ फ्रूट्स. ओके, तो ये नीचे गिर गई, फेल डाउन. नेक्स्ट, People started laughing at her. People मतलब जो लोग वहां खड़े थे, started शुरू कर दिया, laughing at her उसकी तरफ हंसना, laughing मतलब हंसना, laughing मतलब हंसना. लोगों ने उनकी, उसकी ओर देख के हंसना शुरू कर दिया. ये देखो ये हंस रहे. ओके, ऑल हर फ्रूट्स, उसके सारे फ्रूट्स scattered on, scattered on मतलब बिखर गए. ग्राउंड, ग्राउंड में, ये देखो जैसे ही उसकी जो टोकरी है फलों की गिरी तो उसके ये जो फ्रूट्स हैं, ये देखो बनाना और ये एप्पल, ये सारे जो ग्राउंड पर स्कैटर हो गए, बिखर गए. ये देखो सारे इसके जो फ्रूट्स हैं, इसकी बास्केट, ये ग्राउंड में ऐसे स्कैटर हो गए, बिखर गए. उसके बाद क्या हुआ? मीना helped the old lady to stand. Meena helped, मदद की the old lady, बूढ़ी औरत की, to stand, खड़े होने में. ये देखो old lady है और ये जो लड़की है इसका नाम मीना है, इसने इस जो old lady है इसको खड़ा किया, stand किया, और इसकी basket जो fruit है उसमें वापस भर दिए. She picked up all the fruits, उसने उसके सारे फलों को उठा दिया. And put them, और रख दिया, into the basket, टोकरी में रख दिया. ये देखो ये रख रही पिक्चर में, इसने सारे इसके फ्रूट्स टोकरी में रख दिए. मीना threw the banana peel into a dustbin. मीना ने क्या किया? threw, फेंक दिया, the banana peel, केले का छिलका जिस पर वो ओल्ड लेडी फिसली थी, उसने क्या किया? उस बनाना पील को into a dustbin, एक dustbin जो कूड़ादान होता है उसमें फेंक दिया. Oh, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जब हम किसी की हेल्प करते हैं वो हमें क्या बोलता है? थैंक यू सो मच.
और जो हमसे बड़ा होता है वो हमें आशीर्वाद भी देता है, वो क्या कहता है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, सेड द ओल्ड लेडी, उस जो बूढ़ी औरत ने उसको मीनम को क्या कहा कि थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हारी मदद करे। ओके, तो ये अपना लेसन कंप्लीट है, तो आप इसकी जो ग्लोसरी है वो देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं, इसके साथ ही मैं आपको और भी शो कर रहा हूँ इसकी जो ग्लोसरी मैंने ऐड करी है। ये देखो, ये भी वर्ड्स मैंने कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो ऐड किए हैं, तो वो बुक वाली ग्लोसरी और ये ग्लोसरी आप दोनों को कंबाइंड करके अपनी बुक में लिखना, और आगे की एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय।